बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं रशीद अहमद। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। आपको मेरे चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज देखने को मिलेगी। आप अगर अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और आयल का ऑप्शन जरूर चुन लें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ में फिश की यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगा। ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और टेस्टी होता है। आप एक बार बना करके मेरे तरीके से देखें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। ये हमारा सौंफ है 1.5 चम्मच, ये 1.5 चम्मच जीरा है, 1/2 चम्मच काली मिर्च है, 2 चम्मच धनिया है, ये छोटा सा स्टिक का दालचीनी का है 2 1/1 इंच समझो, ये 5 से 6 लौंग का पीस है, 2 छोटी इलायची को फोड़ के ले लिया है, 1 बड़ी इलायची है, इसमें 2 तेज पत्ता डालेंगे। आपके पास बादियान फूल हो तो 1 बादियान फूल कल डाल लेना, हमारे पास नहीं है हम नहीं डाल रहे। अभी ये सब का हम आप जूस रेडी करेंगे। मैं 1/2 किलो का चावल का पुलाव बना रहा हूँ, इसलिए मैं 1/2 लीटर इसमें पानी डाल के इसका अब जूस बनाऊंगा। ये 2 गिलास पानी हमने डाल दिया है और 1.25 लीटर और डाल लेता हूँ ताकि पकेगा थोड़ा कम होएगा। ये मसाले आप जूस में जो हमें डालना है वो हमने दिखाया है ना, वो डाल रहा हूँ इसके अंदर। ये 1/2 चम्मच नमक भी डाल लेंगे, ज्यादा नमक नहीं डालेंगे, थोड़ा डालेंगे, बाद में चख के फिर करेंगे। चुप रहो। ये मैं गैस चालू कर दिया हूँ, अब इसको अच्छा सा बॉईल करेंगे। फिर बॉईल आने के बाद स्लो आंच के अंदर मैं 10 मिनट पकाऊंगा इसको अच्छा से जूस उतरने के लिए। ये खोलने लगा है, मैं तेज पत्ता भूल गया था, तेज पत्ता भी डाल रहा हूँ और इसको स्लो कर देता हूँ। स्लो करके 10 मिनट पकाऊंगा इसको ताकि अच्छा सा अब जूस निकल आवे। ये 5 मिनट हो गए उबलते हुए, अब इसके अंदर हम ये मछली का मुंडी डाल देंगे। ये हमने 5 मिनट से विनेगर का पानी में भिगा के रखा था कि इसका जो स्मेल होता है, बास होता है, वो खत्म हो जाए। अभी इसके अंदर हम 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देता हूँ। इसमें जवा डालना था लेकिन जवा हमारे पास नहीं है, इसलिए पेस्ट डाल दिया हूँ। इसको तेज कर देता हूँ, 1-2 मिनट तेज आंच में पका के फिर स्लो में 5 से 7 मिनट पका लेंगे। मछली का जितना है उसके अंदर खुशबू आ जाए आप जूस में। बस ये 2 किलो मछली है रूपचंद्रा, इसको हमने अच्छे से 2 पानी से धो के 2-3 पानी से 10 मिनट के लिए इसको 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच विनेगर में भिगा के रख दिया था और उसका पानी पूरा निकाल के अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। ये 1/2 नींबू का रस है, 1/2 चम्मच गरम मसाला है, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है, ये 1/2 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, ये सब इसमें हम डाल देंगे और इसको हम अच्छे से हाथ से मिलाएंगे। ये 1/2 चम्मच हम इसमें लहसुन डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे वापस से। अब इसको मैं रख देता हूँ रेस्ट करने के लिए 15 मिनट के लिए। गैस पर हमने ये कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें मैं सरसों का तेल डाल रहा हूँ। करीब
70 से 80 ग्राम सरसों का तेल डाल दिया हूँ। अब ये गर्म हो जावे, फिर इसका जो अंदर कच्चा बन रहता है वो खत्म हो जाए, तब फिर इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। ये तेल हमारा गर्म हो गया है, गैस स्लो कर देते हैं और इसके अंदर हमें एक पाव चम्मच जीरा, पाव चम्मच सौंफ, एक बड़ी इलायची फोड़ के, चार लौंग, दो छोटी इलायची फोड़ के और एक छोटा सा दालचीनी और एक 8-10 काली मिर्च ये डाल के इसको जरा सा हम चटकाएंगे। ये दवा चटक जाए तो उसके बाद हम ये दो प्याज मीडियम साइज का बारीक स्लाइस करके फिर डालेंगे। ये मछली का पुलाव बना रहा हूँ, यखनी पुलाव, इसलिए इसको मैं सरसों के तेल में बना रहा हूँ। सरसों के तेल में जरा टेस्ट अच्छा आता है, समझे, और ये कोलेस्ट्रॉल लो रहता है, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, इसलिए मैं इस तरह बना रहा हूँ। अभी ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जावे फिर इसके अंदर हम आपको दूसरा आइटम दिखाते हैं। ये प्याज हमारा हो गया है, अब इसके अंदर हम एक चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे और दो चम्मच लहसुन डालेंगे, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। दो मिनट तेज आंच में अदरक लहसुन का पेस्ट को भूनने के बाद में ये 3 अदद मीडियम साइज के टमाटर चॉप करके ये डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर को गलाने के लिए एक पाव चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि आप जूस में भी नमक है और मैं मछली के मैरिनेट में भी नमक है, इसलिए नमक थोड़ा कम डालेंगे। इसको अच्छे से चला के और इसको स्लो आंच में 10 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके हम इसको टमाटर को गलने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर थोड़ा गल गया है, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा सूखे मसाले डालेंगे। ये 1/2 चम्मच धनिया पाउडर है, ये 1/2 चम्मच गरम मसाला है, ये 1/2 चम्मच काला ब्लैक पेपर है, ये 1/2 चम्मच मिक्स मसाला है। मिक्स मसाला तो जीरा और सौंफ है और धनिया, ये सब भून कर को पीसा हुआ है, ये 1/2 चम्मच। ये 1/2 चम्मच है चिल्ली फ्लेक है लाल वाला, ये 1/2 नींबू का रस है, इन सबको हम 1 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे मीडियम आंच में, ज़्यादा तेज आंच नहीं करेंगे नहीं तो मसाला जल जाएगा। इसमें थोड़ा सा 1/4 कप पानी डाल देंगे ताकि मसाला भूनने का टाइम मसाला का अंदर जलने ना पावे। ये गैस स्लो कर देंगे, अब इसके अंदर हम मैरिनेट किया हुआ ये मछली फिश, ये इसको हम इसमें ऐसा मसाले में हर तरफ ऐसा बिछा देंगे। हम लोग 5 जन की फैमिली है, 5 जन है, 5 पीस उसका, 5 पीस इसका, दोनों हमने डाला है पेट के पास का 5। वो अब इसको मैं हल्के से मसाले में ऐसा कोट करूंगा, ऐसा पलट के, ताकि मछली के अंदर मसाले सब अच्छे से लग जाए। इसको मीडियम आंच में एकदम 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, इसको
मसाला अंदर तक मछली का आ जावे, मछली का फ्लेवर मसाले में आ जावे। ये हमारा मछली हो गया है, अब इसको हम संभाल के निकाल लेंगे। अब ये आप जूस डाल रहे हैं, मछली निकालने के बाद में एक गिलास ये आप जूस है, अब एक गिलास में पानी डालेंगे। दो गिलास चावल है हमारा, अभी एक गिलास जूस आप जूस और एक दो गिलास पानी डाल देता हूँ और इसको जरा खोलने देंगे। आज टेस्ट कर देते हैं, ये जब तक खोल जाएगा तब अंदर बॉइलिंग आ जाएगा, फिर इसमें हम धुला हुआ चावल डालेंगे। इसका हम ढक्कन बंद कर देते हैं, गैस तेज कर दिया है। ये पानी में बॉयल आ गया है, गैस स्लो कर देता हूँ। ये दो गिलास चावल है, ये बुलेट चावल है, इसको धो के रखा हूँ आधा घंटा से, अब इसको इसमें डाल दे रहा हूँ। हम चला देंगे अच्छे, एक बार अच्छे से। और इसको ढक्कन जरा बंद कर देंगे, थोड़ा सा अच्छे से बॉयल आ जाए, पक जावे। आज तेज है, ये देखो बॉयल आ गया है। अब इसको हम गैस स्लो कर देंगे, गैस स्लो करके 5 मिनट छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हमने इसको खोला था और इसको खोल के इसको चलाया हूँ। अब इसको मैं हटा करके इसको मैं तावा रखने वाला हूँ, इधर तावा रख के अब इसको मैं दम करूँगा। तभी पहले से तावा पे इसको रख के इसके ऊपर ही हम फिश हम रखेंगे, जो मसाले में से हमने निकाला था। ऐसा सब कायदे से मछली इसमें हम संभाल के बिछा देंगे, क्योंकि ये मछली पकने के बाद थोड़ा गल गया है। हमने रख दिया है सब पीस को, चावल के ऊपर सब बिछा दिया है। और ये जो इसमें मसाला था ये सब इसी में डाल देता हूँ। और इसका आप जूस में हमने जो मुंडी डाला था उसको भी इस पर लगाएंगे अभी। ये जो हमने मुंडी डाल के आप जूस निकाला था उससे भी हम इसी के ऊपर ऐसा हल्का सा बिछा देंगे ऊपर ऊपर, इसको ज्यादा अंदर नहीं डालेंगे। अब ये जो मुंडी जब डाला इसमें मसाला नहीं लगा है,
इसलिए ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा चाट मसाला डाल देते हैं ताकि मुंडी के अंदर भी जोर टेस्ट आ जावे। अब वैसे रहे तो बिरयानी मसाला डाल दें, समझे? अभी इसमें डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। अब ये 5 चम्मच हम गरम मसाला ऊपर से डाल दें। इसको लीड लगा देंगे और गैस को चालू करके स्लो स्लो आंच में एक मिनट तेज आंच में करके बाद में 5 मिनट स्लो आंच में करके हाफ कर देंगे। फिश यखनी पुलाव रेडी हो गया है और उसको सर्विंग करने के लिए पहले पीस को फिश सब एक साइड पर करके चावल पहले प्लेट में निकालेंगे। तो देखिए चावल कितना सब खिला खिला पूरा है, सब फरारा एकदम बना है और उसके निकालने के बाद ऊपर से फिश रखेंगे और सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो इसको लाइक कर लीजिए और शेयर दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। फिर दूसरी वीडियो में दूसरी रेसिपी के साथ फिर से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारी आप लोगों की हिफाजत फरमाए, आमीन। चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।